तो भाई एक भाई था छोटा, उसका मैसेज आया। बोला राम राम भाई। मगा भाई राम राम। तो बोला भाई एक बात पूछनी थी। मगा हाँ बोल भाई। बोला भाई तुम वीडियो बनाओ हो, मतलब बहुत बढ़िया वीडियो बनाओ। हम सारी फैमिली सारी वीडियो देखा इकट्ठे बैठ के। बोला पर भाई थारी वीडियो इतनी वायरल ना होती, मतलब यूट्यूब पे भी तुम ब्लॉग गिरो हो या मतलब कुछ भी मेहनत करो हो, तो वो रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा तुमने, तो इसका क्या कारण है भाई? तो फिर मैंने थोड़ी बार सोची, मगा छोटे भाई इसका एक कारण है, मेन कारण यू है कि भाई हम वीडियो में गाल नहीं देते। गाल नहीं देते कि माँ बाण उल्टा नहीं बोलते, कुछ मतलब वल्गर लैंग वर्ड्स जो यूज नहीं करते। हमारी वीडियो पूरा कणवा इकट्ठा बैठ कर देख सकते हैं। बोले भाई फिर यह तो अच्छी बात है, इसमें मतलब यह तो और भी आगे जानी चाहिए। तो मगा भाई समाज आजकल ऐसा हो रहा है जो मतलब सिर्फ ही सिर्फ गंदी चीज़ आना पसंद कर रहा है। गंदी चीज़ जितनी जल्दी वायरल हुआ है उतनी जल्दी मतलब अच्छी चीज़ ने टाइम लाके है। बोले भाई फिर ईब मतलब सारा जी नहीं टूटता भाई, तुम मतलब रोज़ वीडियो बनाओ हो, मेहनत करो हो, रिस्पॉन्स नहीं मिलता तुमने उसके हिसाब से। मगर देख भाई हौसला आता है, मतलब सबका थोड़ा डाउन हुआ है कि हाँ भाई इतने टाइम तो लाग रहा, हाँ हमने जिस लेवल पर पहुँचना चाहिए था उस लेवल पर हम जा नहीं पाए हैं थी, लेकिन पर वो है ना भाई हौसला तो बना कर रखना पड़ा है। 2 साल हो गए, 2 साल और भाई, 2 साल नहीं 3 साल और, कदे ना कदे तो मतलब मेहनत करना रहे तो भगवान मारी भी सुनेगा। तो भाई मेरा मेन मोटिव वीडियो बन गई हो नहीं था, मैं ये नहीं चाहता कि भाई तुम मतलब तुमने जो चीज़ अच्छी लग गया है उसने सपोर्ट करो भाई, उसने देखो पसंद करो, लेकिन मेहनत देखो भाई कौन कितनी कर रहा है, कितने टाइम तक कर रहा है, किस हिसाब तक कर रहा है। तो जो मेहनत के मतलब जो तारीफ के काबिल है उसको तारीफ करो, जो सपोर्ट कड़ी हो गया उस भाई की सपोर्ट कराया करो, क्योंकि भाई कलाकार ने एक हौसला हुआ है कलाकार खातर, जो उसने के मतलब आगे बढ़ने खातर प्रेरित करा है। जब वो हौसला ही नहीं मिलेगा तो शायद जिस लेवल पर पहुँचने का हो वो ना पहुँच के नीचे रह जा है, या मतलब घर की जिम्मेदारी उसने घेर लिया है, फिर वो परफॉर्मेंस दे भी नहीं पाऊगा, ऐसे अपने आप डाउन होता चला जाएगा। तो भाई जिस भाई का आवाज़ समझ में आई हो या वीडियो शेयर कर दियो, अरे राम राम सारे ने, बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार दे रहे हो, बनाए रखियो।